Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss practical number 9 for class 12 computer science practical 5. And the today's practical is to create a binary file with name and roll number, search for a given roll number and display the name. If not found, display appropriate message. And this practical is from the unit file handling. तो इसमें सबसे पहले हमें एक बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमें यूजर से नेम और रोल नंबर लेना है, फिर एक पर्टिकुलर रोल नंबर को सर्च करना है और अगर वो रोल नंबर प्रेजेंट है तो उसका नेम डिस्प्ले कराना है और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज को डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी आईडीएली पे और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम। अब आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम की हेडिंग है स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि जब भी हम बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं तो हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है विच इज़ द पिकल मॉड्यूल। तो हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट पिकल। इसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, एफ इक्वल्स टू ओपन। बाइनरी फाइल में हम फाइल का नाम डायरेक्टली पास कर देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट डैट। और जनरली जब भी हम बाइनरी फाइल में काम करते हैं राइट मोड में इसे ओपन करते हैं ताकि वो फाइल अपने आप क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमें यूज़र से क्या लेना है, रोल नंबर और नेम। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो कि कितने स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम लेना है, तो हम इसमें वाइल लूप लगा देते हैं कि जब तक ट्रू है तब तक हम उसे लेते जाएं। अब वाइल लूप हम जब भी लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई कंडीशन या कुछ स्टेटमेंट ऐसी देनी होती है जिससे कि लूप टर्मिनेट हो जाए, तो हम उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अभी हम वाइल लूप लगा के यूजर से रोल नंबर और नेम को इनपुट कराएंगे। हमने कहा रोल नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर। इसके बाद हम यूजर से नेम को इनपुट कराएंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। ये कराने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको एक लिस्ट में डाल देना है। एल नाम की हमने एक लिस्ट ले ली और उसके अंदर हमने डाल दिया आर एन कॉमा नेम। और ये जो डेटा है हम कितने भी यूजर्स का एंटर कराएं, कितने भी स्टूडेंट्स का एंटर कराएं, सारे जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम है वो हम एक लिस्ट में अपेंड कर दे जाएंगे जो कि हमारी रेक नाम की लिस्ट होगी। तो इसके लिए हमें ऊपर यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा रेक एज एन एम्प्टी लिस्ट। अब यहाँ पे रेक के अंदर क्या हो जाएगा, रेक डॉट अपेंड एल, यानी कि रिकॉर्ड के अंदर हमारा क्या हो गया कि लिस्ट हमारी अपेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा हमें फाइल में राइट कराना है, तो उसके लिए डम्प फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम कहेंगे पिकल डॉट डम्प। अब इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, एक हमारी लिस्ट या डिक्शनरी जो भी होती है, लिस्ट डिक्शनरी या टपल, और उसके अलावा हमारा फाइल हैंडल जो कि इस केस में हमारा एफ है, ठीक है। इसके बाद अब हमें ये भी देखना है कि कहाँ भी लूप टर्मिनेट हो, तो यूजर से हम चॉइस इनपुट कराएंगे, वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स इनपुट, वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अगर यूजर उस केस में आंसर हमें देता है नो इफ सी एच इन कैपिटल एन और स्मॉल एन, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या कराना है, ब्रेक कराना है। हमने ब्रेक करा दी, ठीक है, और उसके बाद हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी हम इतने पार्ट को रन करके देखते हैं। अभी हमने इसमें क्या किया, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करके फाइल को राइट मोड में ओपन किया, यूजर से स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम को एंटर कराया और उसे हमने फाइल में राइट करा दिया। तो चलिए पहले हम इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर वन, स्टूडेंट्स नेम इज प्रिया। Want to enter more records? Yes. Enter student's roll number 2. Student's name is Preeti. Want to enter more records? Yes. Student's roll number is 3 and name is Rishi. Suppose हमने यहाँ पे तीन records enter करा दिए और नहीं करा, तो अब इसने क्या किया, अभी तो हमने कोई print statement दी नहीं है तो ये इसके अंदर आपको show नहीं करेगा, लेकिन file के अंदर data write हो चुका है। File में जाएंगे, open में जाएंगे, यहाँ से आप python files के place पे कर देंगे old files, और आपकी जो फाइल का नाम है वो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉट डैट। किसी पे भी क्लिक करके एस को प्रेस करो
और ये आपकी जो फाइल है वो आपकी स्टूडेंट नाम से डेट फाइल है, तो आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि नोटपैड है, जस्ट वंस किया तो इसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जैसे कि प्रिया प्रीति, बाकी तो ये बाइनरी फाइल है तो कंटेंट थोड़ा सा यूनिकोड कैरेक्टर्स में रहता है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या किया, फाइल में डेटा को राइट कराया। अब राइट कराने के बाद हमें इस फाइल में रोल नंबर को सर्च कराना है, तो हमारे पास डेटा फाइल में जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइल से डेटा को रीड करेंगे। तो अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे किस मोड में, स्टूडेंट्स रीड मोड में। हमने यहाँ से फाइल को ओपन किया अपने रीड मोड में, यहाँ पे मोड को चेंज कर देंगे, डब्ल्यू बी के प्लेस पे हो जाएगा आर बी। अब हमने यहाँ से डेटा को रीड कराना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, पिकल डॉट लोड फंक्शन, मतलब पिकल इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल, फंक्शन नेम इज लोड, तो रेक इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और लोड फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है विच इज द फाइल हैंडल। फिर फॉर आई इन आर ई सी, ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें एक रोल नंबर ऐसा एंटर कराना पड़ेगा जो हम सर्च कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ले लेते हैं एस आर एन इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर टू सर्च। यूजर से हमने इनपुट करा लिया कि यूजर कौन सा रोल नंबर सर्च करना चाहता है। फिर हम अपने सारे डेटा को रीड कराएंगे जो भी हमने अभी राइट कराया था, फिर एक एक करके उस डेटा को चेक करेंगे। अब देखिए ये जो हमारी लिस्ट है इसमें रोल नंबर जीरो पोजीशन पे है और नेम जो है वो वन पोजीशन पे है। तो फॉर आई इन रिकॉर्ड का क्या मतलब है, जैसे कि अब हमारे रिकॉर्ड में क्या वैल्यूज जा रही है, इस तरह से जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट है, हमने लिया था उसका रोल नंबर वन और नेम लिया था उसका हमने प्रिया, तो इस तरह से गया। फिर सेकेंड लिस्ट बनी, उसमें हमने लिया था रोल नंबर टू एंड हमने नेम लिया था इसमें प्रीति, तो इस तरह से करते हुए हमारी नेस्टेड लिस्ट बनती है। जब हम कहते हैं रैक इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, तो रैक के अंदर ये सारा डेटा आ गया जितने भी स्टूडेंट्स का हम ले रहे हैं। फिर जब हमने यहाँ फोर लूप एंटर किया, फोर आई इन रैक, तो जब आई की पहली वैल्यू चलेगी तो आई के लिए पहली वैल्यू ये है, दैट इज वन एंड प्रिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है टू एंड प्रीति। अब हमें रोल नंबर चेक करना है, तो अगर ये पूरा आई है तो आई में पोजीशंस होंगी, ये जीरो पोजीशन है और ये वन पोजीशन है, तो हम क्या कहेंगे, इफ यहाँ पे हम कहेंगे इफ आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू किसके इक्वल, जो अभी यूजर ने रोल नंबर दिया है जो सर्च कराना है एस आर एन, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री वन टू और थ्री की कराई है और हमने सर्च भी वन कराया तो उसे मिल जाएगा, तो अगर ये उसके इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड एंड द नेम इज, नेम क्या है हमारा आई ऑफ वन, क्योंकि जीरो पोजीशन पे वी आर हैविंग द रोल नंबर एंड वन पोजीशन पे वी आर हैविंग द नेम, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमने यहाँ स्पेसिफाई करा दिया कि हमें पर्टिकुलर रोल नंबर मिल चुका है, फाउंड की वैल्यू करा देंगे वन, और स्टार्टिंग में हम इसमें फाउंड एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है जीरो। अगर उसे वो रोल नंबर मिलता ही नहीं है तो फाउंड की वैल्यू जीरो ही रहेगी, अदरवाइज वन। अब जब फाउंड की वैल्यू वन हो गई, उसे वो रिकॉर्ड मिल गया, तो क्या उसे आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, हमें वहीं पे अपने लूप को स्टॉप करना पड़ेगा यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम देंगे ब्रेक स्टेटमेंट, फाउंड वन हो गया और हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, फाउंड जीरो ही रहता है, इफ फाउंड इक्वल्स टू जीरो, देन इन दैट केस क्या प्रिंट कराएंगे हम, नो सच रिकॉर्ड, कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही। अब ये सब हमने कर दिया, दैट इज फाइन। लास्ट में हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। रीड मोड में हमने फाइल को ओपन किया था, नाउ वी विल क्लोज। अब ये सारा कोड हमारा सही है, बस इसमें क्या है
कि जब हम ये पिकल डॉट लूट स्टेटमेंट देंगे तो हो सकता है ये एक टाइम पे फाइल के एंड पे रीच कर जाए। इसको हम हटा देते हैं। तो फाइल के एंड रीच करने पे हमारे पास ईओएफ एरर आ सकता है। अभी हम इतने पार्ट को रन करते हैं, इसको हमने यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और दोबारा से इस डेटा को डालते हैं। इसको हमने रन किया, अब स्टूडेंट का रोल नंबर डाला 1, नेम डाला प्रिया, वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, रोल नंबर 2, नेम इज प्रीति, देन यस, देन रोल नंबर 3 एंड देन नेम इज ऋषि। अब इसने कहा वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यहाँ पे हम नो कर देते हैं। अब इसने कहा एंटर द रोल नंबर 2 सर्च, मान लो मुझे रोल नंबर 2 को सर्च करना है और रोल नंबर 2 मेरा ऑलरेडी एंटर्ड है, तो इसमें क्या आया, रिकॉर्ड फाउंड एंड द नेम इज प्रीति, दो बार आ रहे हैं। पहले कह रहे हैं नो सच रिकॉर्ड, फिर कह रहा है दो बार कह रहा है रिकॉर्ड फाउंड एंड द नेम इज प्रीति, यानी कि लूप को बार बार रन करा रहे हैं और यहाँ पे हमारा ईओएफ एरर आ रहा है। तो इस ये एरर ना आए इसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये जो वाइल्ड ट्रू स्टेटमेंट है इसे हम ट्राई ब्लॉक में देंगे। वाइल्ड ट्रू रिकॉर्ड इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, एफ फॉर आई इन आर ई सी, अगर ये इसके इक्वल है तो हम कहेंगे प्रिंट रिकॉर्ड फाउंड, ब्रेक कर देंगे, और अगर हमारे फाउंड की वैल्यू 0 रहती है तो नो सच रिकॉर्ड। अब ट्राई ब्लॉक में हमने ये कह दिया और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक में हम आएंगे, ट्राई के साथ हम एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करते हैं। तो हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक में कह देंगे कि फाइल को क्लोज कर दें, कि अगर कोई एरर नहीं आया तो फाइल को क्या कर दें, क्लोज कर दें। और लास्ट में हम दे देंगे कि अगर फाउंड की वैल्यू 0 रहती है उस केस में व्हाट शुड हैपन, इट शुड प्रिंट नो सच रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये हमसे डिटेल्स पूछेगा, रोल नंबर, देन नेम इज प्रिया, देन वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस, रोल नंबर 2, नेम इज प्रीति, देन यस, देन रोल नंबर 3 एंड द नेम इज ऋषि। अब हमें और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने, तो जैसे ही हम 2 को सर्च करेंगे ये हमें दो बार दिखा रहे हैं। Why ये हमें दो बार दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर हमने pickle dot dump function को साथ साथ लिखा हुआ है, तो वो मतलब एक बार होने पे next को फिर write कर रहा है। तो इस function को while loop में लिखने से better है कि हम इसे उससे बाहर लिख दें after the break statement। ठीक है, अब जब हम इसे run करेंगे and we will check the same thing, run किया हमने और check किया, तो roll number is 1, name is Priya, and want to enter more records, yes, roll number is 2, name is Preeti, and want to enter more records, yes, roll number is 3 and name is Rishi। तो जैसे ही अब हम यहाँ पे 2 को सर्च करेंगे तो 2 का नेम प्रीति है, ओके, यहाँ पे यस करना था हमने, नेक्स्ट रोल नंबर डाल देते हैं, हमने कहा 4 एंड द नेम इज सपोज जिया, वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यहाँ कर देते हैं नो। देखो यहाँ पे जो है ना वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, इसमें आप स्मॉल एन या कैपिटल एन के अलावा जो भी वैल्यू देंगे वो उसे येस के फॉर्म में ही कंसिडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको येस देना है। अब हमने रोल नंबर दे दिया सर्च करने के लिए सपोज 2, तो ये हमें क्या कह रहा है, रिकॉर्ड फाउंड एंड द नेम इज प्रीति, एक ही बार आ रहा है वो हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा रोल नंबर एंटर कर दें जो कि हमारा इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि अगर मैं इसे दोबारा रन करूं एंड आई एंटर 1 प्रिया, देन 2 प्रीति, देन 3 ऋषि, अब मैंने इसमें रोल नंबर एंटर कर दिया सपोज 7, अब जैसे ही मैंने 7 सर्च करने का ट्राई किया ये कह रहा है नो सच रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास है ही। सो दिस इज हाउ द आउटपुट विल कम। एक बार आपने एक रोल नंबर ऐसा एंटर करना है जो आपने ऑलरेडी राइट कराया है और एक बार ऐसा एंटर कराना है जो आपकी फाइल में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द कोडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट इन आवर फाइल। सो विंडोज शिफ्ट और एस से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। विल स्टार्ट फ्रॉम द हेडिंग एंड जहां तक हम नीचे ये जा पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ प्रिंट तक गए इतना ले लिया, वर्ड में जाएंगे और इसे हम यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम अपने कर्सर को इसके नीचे लेकर आएंगे, दैट इज एट दिस प्लेस, एंटर किया हमने और वापस से हम अपनी फाइल पे गए जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है और प्रिंट के नीचे जितना भी डेटा है दैट वी आर गोइंग टू टेक द स्क्रीनशॉट, विंडोज शिफ्ट एंड एस। तो यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लेना है ऑफ दिस मच पार्ट एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट। वर्ड में गए और हमने इसे यहाँ पे
पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर दिया, और चाहे तो हम इसे थोड़ा सा अटैच भी कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हमें इसका क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट भी आपको दोनों केसेस का लेना पड़ेगा, जहाँ पे जो आपने रोल नंबर दिया वो फाइल में एग्जिस्ट करता है, और एक बार जो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, और यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक द आउटपुट। हमने जो डेटा दिया वो रोल नंबर 1, 2, 3 का दिया, और रोल नंबर सर्च करा रहे हैं 7, तो नो सच डेटा एग्जिस्ट। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, इट विल से नो सच रिकॉर्ड। वी आर गोइंग टू टेक दिस एंड पेस्ट इट हियर, देन प्रेस द एंटर की, ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंड एक बार इसे क्लोज करके दोबारा से रन करके हम इसमें एंट्रीज लेंगे। देन दिस इज प्रिया, देन यस, देन 2, देन प्रीति, देन यस, देन 3, देन ऋषि। अब हम यहाँ पे रोल नंबर सर्च करा लेते हैं, सपोज रोल नंबर 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिकॉर्ड फाउंड एंड द नेम इज प्रीति। तो विंडोज शिफ्ट और एस से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इतने पार्ट को कवर अप करेंगे जितना आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एंड देन वर्ड में जाके आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन शो द आउटपुट ऑफ योर प्रैक्टिकल। दिस इज हाउ वी हैव डन द प्रैक्टिकल, एंड हमने इसे यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो इस तरह से आप रीडिंग व्यू में जाके अपने प्रैक्टिकल को चेक कर सकते हो। दिस इज आवर पेज, ये हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 9, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 9, एंड दिस इज द कोडिंग पार्ट, एंड ये पूरा हमारा कोडिंग पार्ट है। इसे आप थोड़ा सा बाउंड्री देना चाहें तो कलर से या पेन से, ब्लैक पेन से दे सकते हैं, एंड दिस इज द आउटपुट पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे और अगर नीचे लाना चाहें तो दैट यू कैन डू इन द नॉर्मल मोड, राइट। सो ठीक है, ये फिर क्लियरली विजिबल हो गया। इस तरह से आपको अपना प्रोग्राम करना है। सो वी हैव डन द प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 9। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर or any problem is there, or you want to give any feedback, you can give it in the comment section. And if you find this video helpful, and you can share it with your friends, you can like the video, you can subscribe the channel. I'll meet you in my next video with a practical number 10 video. Till then, have a good day, and thank you.